बीत चुके हैं हवा हवाई क्वीन श्रीदेवी के निधन को, और यकीन मानिए इन 2 सालों में आज भी 200 से ज्यादा किस्से ऐसे हैं जिनके तार श्रीदेवी के साथ जुड़े हैं, मगर उन्हें कोई नहीं जानता। इस खास रिपोर्ट में हम आपके सामने श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की फिल्मों से जुड़ा चौंकाने वाला किस्सा लेकर हाजिर हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुना हो। दरअसल सत्यार्थ नायक, जिन्होंने श्रीदेवी की जिंदगी पर किताब लिखी है, वो किताब को लेकर एक किस्सा साझा करते हुए बताते हैं कि श्रीदेवी कभी भी उस फिल्म में काम नहीं करती थी जिसमें उनका रोल हीरो के मुकाबले छोटा हो, और इसीलिए एक वक्त पर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म तक करने से मना कर दिया था। 1988 में श्रीदेवी मुंबई में शूटिंग कर रही थी और बिग बी ने एक ट्रक फूल भेजकर उन्हें मनाया। श्रीदेवी ने फिल्म खुदा गवाह में माँ बेटी का डबल रोल मांगा। श्री इंडस्ट्री में सभी ने कहा कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, लेकिन अमिताभ और डायरेक्टर दोनों को श्रीदेवी की बात माननी पड़ी। श्रीदेवी पुरुषवादी बॉक्स ऑफिस की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाती है। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक कमल हसन, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, इन सबको उन्होंने पछाड़ दिया था। निजी जिंदगी में वो बहुत शर्मीली थी, मगर कैमरे का स्विच ऑन होते ही उनका बोल्ड और तेज रूप दिखाई देता था। इसीलिए श्रीदेवी ने यहाँ पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म तक करने से मना कर दिया। लेकिन जब बिग बी ने उन्हें ट्रक भर कर फूल भेजे, वो भी उनकी पसंदीदा सफेद फूल, तब जाकर श्रीदेवी ने बिग बी के साथ काम करने के लिए हामी भरी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।